उन सभी व्यक्तियों की, जो भी व्यक्ति डिप्रेशन में होता है, जो भी ग्रसित होता है इन चीज़ों से, और हम जाते चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कठिन कदम ना उठाए और अपने अपनी जान दे दे। और ऐसी चीज़ों के लिए हम केवल एक ही चीज़ बोलते हैं कि आप कम से कम हमसे एक बार बात कीजिए, इतना कठिन कदम उठाने से पहले एक बार बात कीजिए, और बात करने से ही हल निकलता है। क्योंकि ये संख्या बढ़ती ही जा रही है और ये बहुत बड़ी समस्या आगे हमारे सामने प्रस्तुत खड़ी हो चुकी है। हम जानते हैं कि एक तरफा कानून जो बने हैं वो इतने ज़्यादा है कि इसमें सोसाइटी में टैबू मान लिया जाता है कि जिसके ऊपर भी ऐसा केस होता है उसको सोसाइटी सोचती है कि इसने कुछ तो किया होगा। और तब इसमें हुआ है, अगर हमारी गली में भी कोई दहेज, और अगर किसी के ऊपर ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, उससे पहले उसे यही लगता है कि जैसे किसी दूसरे के घर में होता है, उसे यही लगता है कि इसने तो दहेज लिया होगा, इसे दहेज का केस लगा है, इसके इसने तो हैरेसमेंट किया होगा, इसलिए हैरेसमेंट का केस लगा है, इसने तो कैमरे पर होगा, इसलिए इसके ऊपर ये केस लगा है। एक्स वाई जेड फलफला जितने भी केस होते हैं महिलावादी, उनके ऊपर यही सोचा जाता है कि इसने ऐसा किया होगा इसलिए केस लगा है। पर जब जिस व्यक्ति जो निर्दोष व्यक्ति जब खुद ही फंसता है, तब उसे इस बात का यकीन होता है। प्रमुख मांग यही है कि जो भी हमारे पुरुषों के मुद्दे हैं वो पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने मैनिफेस्टोज में डाले, जो अभी तक नहीं डाले जाते। और जब से देश हमारा आज़ाद हुआ तब से लेके अब तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने हमारे मुद्दे अपने मैनिफेस्टो में नहीं रखे हैं। हमसे केवल अभी तक वादे करे गए हैं, पार्टीज़ के पास हम गए, वादे करे। 2014 में हमने बीजेपी को सपोर्ट करा, वहाँ पर भी केवल वादे हुए, पर ठोस कदम कुछ भी नहीं उठाया गया पुरुषों के लिए। और जो भी हमारी समस्या है जस की तस है, जितने भी झूठे मुकदमे हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और जैसे 90,000 जो सुसाइड है एक साल में जो पुरुष करता है, वो अभी भी वैसी की वैसी हैं और बढ़ती ही जा रही हैं। ना ही कोई नेशनल हेल्पलाइन है, अगर कोई डिस्ट्रेस में व्यक्ति तो उसके लिए कुछ नहीं है। अगर कोई आर्मी वाला पर्सन भी अगर कोई सरहद पे है पर उसके पास कोर्ट का नोटिस पहुंच जाता है कि आपको कोर्ट में आके प्रस्तुत होना है, ये नहीं देखा जाता प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में कि वाकई में कोई केस जेन्युइन है या फॉल्स है। फॉल्स केस हो चाहे जेन्युइन केस हो, सबको एक ही कैटेगरी में रख के बस उस पर इंक्वायरी करके सबको अरेस्ट करने का हो जाता है। ठीक है, अरेस्ट कर लेते हैं, और इतने निर्दोष आज की तारीख में जेलों के अंदर बंद हैं जिसकी कोई व्यवस्था नहीं करी गई है। पूरे कानून केवल एक महिला के पक्ष में ही करके रख दिए और दूसरा पक्ष देखा ही नहीं जा रहा है। बल्कि ऐसा नहीं है जो हम लोग जिन मुद्दों के बारे में बोल रहे हैं वहाँ पर महिलाओं का नहीं है, जो ननद है, जो आपके मदर है, वो सब भी तो माताएँ हैं, बट उनके बारे में कोई नहीं देखा जा रहा, वो सब भी महिलाएँ हैं, उनको बारे में कोई नहीं सोचा जा रहा, केवल बहुएं हैं। केवल एक पक्ष के बारे में हमारे सारे कानून बन के रह गए हैं, दूसरे पक्ष को कहीं लिया ही नहीं जा रहा। अब हमारे पास कुछ और नहीं विकल्प बचा इस विकल्प के रहते हुए, तो हमारा जब कोई विकल्प नहीं बचा तो इस आने वाले इलेक्शन में हम केवल और केवल नोटा को वोट देने के लिए बोल रहे हैं और ज़्यादातर प्रचार कर रहे हैं कि नोटा को वोट करें। और हमारी मांगें जब तक नहीं सुनी जाती हैं हम यही करेंगे, और आने वाले इस इलेक्शन में और आने वाले स्टेट के भी इलेक्शन में जब आएंगे, दिल्ली का इलेक्शन भी आएगा, तो भी हम नोटा का ही प्रचार करेंगे पूरे दिल्ली भर में। और इस समय हमारा पूरे भारतवर्ष में अलग अलग शहरों में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, और हमारा ये उदयपुर में, मुंबई में, और आज हमारे दिल्ली में, हर जगह पे ये सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, हमारे धरने चल रहे हैं और लोग नोटा के बारे में प्रचार कर रहे हैं। आप कह रहे हो जिस तरीके से सबूत मांगती है कोर्ट जैसी स्त्रियों के प्रति, तो कितना सबूत ढूंढेगी या फिर सबूत अगर हम बोलें तो कुछ ना कुछ तो सबूत होगा। अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ है तो गलत होने का कुछ तारीख होगा। अगर आप किसी भी व्यक्ति की पिटीशन पढ़ेंगे, अगर कोई भी मैं बोलूं कि ये विक्टिम है, तो वाकई में जो विक्टिम, हम आदमी विक्टिम की बात करें, जो पुरुष विक्टिम है उसके अगर आप पढ़ेंगे चार्जशीट, तो सबकी चार्जशीट आपको एक जैसी मिलेगी, वहाँ पे केवल नाम के बदले हुए होंगे, बाकी बातें ही लिखी हुई होंगी। कहीं ना कहीं यहाँ पे मतलब हेरा फेरी की गई है। हेरा फेरी होती है बिल्कुल होती है। जो पिटीशन होती है वो एक जैसी होती है ज़्यादातर, और वहाँ पे सबसे पहले जाते हैं और मेंटेनेंस लगा दी जाती है। बहुत से केसेस में सबसे पहले अरेस्ट कर लिया जाता है प्रिलिमिनरी, उसके बाद फिर कुछ हुआ था, कुछ नहीं हो पाता। और मेजर प्रॉब्लम ये है कि एक जना अपनी जॉब करेगा, 6-6 तारीखों पे जाएगा एक महीने के अंदर में, इतनी तारीखें होती हैं कि वो बेचारे को जॉब से निकाल दिया जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, जिसके ना कारणवश भी वो ना करते करते भी वो सुसाइड कर लेता है। और जो नहीं करना चाहिए, हम ज़्यादातर चाहते हैं कि जितने भी व्यक्ति उनकी जान बचाई जाए, सुसाइड जैसे गंभीर चीज़ को वो ना होता है। और ऐसा कदम उठाने के लिए अगर कुछ कोई चीज़ हमें मजबूर कर रही है तो उस वजह को जानना बहुत ज़रूरी बन गया है। अगर हम वो वजह नहीं जानेंगे कि सुसाइड क्यों हो रही है, तो हम आगे कैसे चीज़ें लेके जाएंगे, जा पाएंगे।
और अभी जो महिलाओं के साथ जो वारदातें हो रही हैं, क्या वो क्या आपके पास क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि आप पता लगाएं कि आपने कोई ऐसी इंक्वायरी करी, कोई डेटाबेस आपने ऐसा रिसर्च करा है, क्या कुछ भी ऐसा पुरुषों के लिए करा गया है ऐसा ही रिसर्च, उनसे पूछा जाए कि क्या आपके ऊपर घरेलू हिंसा होती है? कभी नहीं बोला। जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वो केवल महिलाओं के लिए है 2005 का। क्या डोमेस्टिक वायलेंस महिला नहीं करती पुरुषों पर रात को? बिल्कुल होती है। हमारे पास ऐसे बहुत से व्यक्ति जो आते हैं जो कहते हैं कि हमारे ऊपर घरेलू हिंसा हुई है, लेकिन ऐसा कोई कानून ही नहीं है हमारे पास, कोई प्रावधान ही नहीं है जहाँ पे ये चीज़ हम लेके जा सके, जो इक्वल प्रावधान बना सके, जो पुरुष अपनी बात भी रख सके। अगर हमारे पास कोई लॉ ही नहीं होगा तो आप कंप्लेन कैसे करेंगे? अगर हम रेप की बात करते हैं तो बहुत सारे कानून है, रेप हो गया, स्टॉकिंग हो गया, आपका डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, सारे कानून एक तरफा है। अगर हम एक मंच उन्हें दे देंगे तो क्या दिक्कत आ जाएगी? ताकि एटलीस्ट कम से कम पुलिस वाला पुलिस में जाके एक जना अपनी कंप्लेंट तो लिखा दे पाएगा। आप बोलते हैं कि पुरुषों के ऊपर रेप नहीं होता, पुरुषों के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता, पर क्या आपने उनके लिए कोई ऐसा कानून दिया कि जाके उसमें वो कंप्लेंट करे? जब कानून नहीं होगा तो कंप्लेंट कहाँ से होगी? इसलिए आप कहते हैं कि डेटा नहीं है। ऐसा लगता है लोगों का भ्रम है कि पुरुषों के ऊपर ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि सब कुछ होता है। हमारे पास हजारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं, पुरुष आते हैं, अपनी आपबीती सुनाते हैं, ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं जो आप शायद सुनी भी नहीं होंगी, क्योंकि ये चीज़ ज़्यादातर मीडिया में नहीं आ पाती। बट मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप इस अच्छे बात को आगे ले जाने की मुहिम एक जारी रख रही हैं हमारे साथ। मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे और भी आपकी जैसे जागरूक मीडिया वाले जागे आप, और हमारी ऐसी बातें जो हर दूसरे घर की समस्या आज बन चुकी है वो लोगों तक पहुंचे, लोग जागरूक हों और लोग अपनी क्वेश्चन अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी है उससे जाके क्वेश्चन करें। जो भी व्यक्ति उनके वोट मांगने आए वो सबसे पहले पूछे कि आपने हमारे लिए क्या किया और आप हमारे लिए क्या करोगे, आप हमारे लिए क्या कर सकते हो, अपने मैनिफेस्टो में क्या आपने हमारी प्रॉब्लम्स डाली हैं या नहीं डाली हैं, इन सब बातों की वो उनसे क्वेश्चन उठाएं, अपनी आवाज़ उठाएं। जब तक हम अपनी आवाज़ उठाएंगे नहीं तब तक लोग हमें दबाते रहेंगे, पॉलिटिकल पार्टियों से झूठे वादे करती रहेंगी और हमें कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारी सुन नहीं रही है। आदमी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित है, महिला के जो समर्थन में जो कानून बने थे उन सब का दुरुपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आज के टाइम में आदमी की सुनने के लिए कोई भी नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से। हम कई पॉलिटिकल पार्टीज़ को MPs को हम सुन मिल चुके हैं, कानून मंत्रियों को हमने हजारों लेटर हमने भेजे हैं। पिछले सितंबर से हम एक योजना बना रहे थे, सितंबर से हमने हजारों के हिसाब से लेटर हमने भेजे हैं। PM ऑफिस भी हमने बहुतों को लिखा है पर कोई हमारी सुन नहीं रहा। तो अभी हमने ये डिसाइड किया है कि अभी हम नोटा को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि नोटा का सपोर्ट करेंगे तभी जाके नोटा का सपोर्ट वो कर रहे हैं जो डिसेंट है, जो सरकार से खुश नहीं है। तो हम भी सरकार से खुश नहीं है क्योंकि हमारी कोई सुन नहीं रहा है। नाम जी, मेरा नाम नम्रता श्रीवास्तव है और मैं सरूप राज जिन्होंने आत्महत्या की है 18 दिसंबर को, उनकी मदर लॉ। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि लॉज जो भी हों सिर्फ औरतों के फेवर में नहीं, आदमियों के फेवर में भी होनी चाहिए। जेंडर बायस लॉ कभी नहीं होनी चाहिए कि आदमी को अपने सुसाइड करना पड़े और मरना पड़े। आखिर 18 दिसंबर को उसकी उसने सुसाइड किया स्वरूप ने, कंपनी ने कोई इंक्वायरी नहीं की, सेक्सुअल हैरेसमेंट का उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा, बिना इंक्वायरी के उसको उसी दिन सस्पेंड कर दिया गया। कोई लॉ नहीं है आदमियों के लिए कि आदमियों के बिना परिवार चल जाएगा क्या? मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग जेंडर बायस लॉज मत बनाइए, आदमियों के बिना परिवार कैसे चलेगा? आदमी को आप तोड़ दोगे, मार दोगे तो कैसे सोसाइटी चलेगी? आज तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। हमने 20 दिसंबर 2018 को FIR लॉन्च की थी और अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम पीयूष भगत है और मेरा शादी 6/8/6 हुए हैं और मेरी वाइफ ने ये फोर्स केस किया है डोमेस्टिक वायलेंस का, ठीक है ना। तो मेरे ससुराल वाले का कहना है कि घर मेरे बेटी के नाम करो तो आएगी, और अपने माँ बाप को घर से निकालो, भाई बहन को निकालो, सिर्फ उस घर में बेटी मेरी बेटी रहेगी और आप रहोगे और मेरी बेटी के नाम मकान करो। और वो 4 महीने से पूरा प्रताड़ित कर रहे हैं, मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं। मैं टाइम पे ऑफिस आ पाता हूँ, नहीं मैं टाइम पे आ पाता हूँ, मेरे को टॉर्चर किया जा रहा है, मेरे को ऐसा हालत कर दिया है कि मुझे सुसाइड करना पड़ सकता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ फॉल्स केस बंद होना चाहिए, क्योंकि ये मैंने उसे कुछ नहीं किया है, मेरा फॉल्स केस क्या है, मैं डोमेस्टिक वायलेंस का केस क्या है, अभी आगे 490 केस होगा, आगे पता नहीं क्या क्या होगा।
उनके पिताजी का कहना है कि हम आपको जेल दे देंगे, तिहाड़ दे देंगे और 22 लाख रुपया हम आपसे लेके रहेंगे। उनका एक ही जिद है और इस एवज में मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे इंसाफ चाहिए ये फॉल्स केसेस से। सबके साथ यही हो रहा है, मेरे साथ भी यही हुआ है और आगे पता नहीं क्या क्या होगा। अब ये 498 होने वाला है, अभी फिर पता नहीं आगे क्या होगा। इस रीजन में मुझे क्या करूं? ठीक है, मैं एक घर खरीदूं अपना पुराना 2 BHK बेच के और एक 3 BHK खरीदूं उनके नाम से। दिसंबर 2017 में मैंने नया घर खरीदा, 3 दिसंबर को हम शिफ्ट हुए, 30 दिसंबर को वो घर से सारी ज्वेलरी लेके फरार हो गई है। उसके बाद से मैंने बहुत गिड़गिड़ाया, मेरे पास सारी कॉल रिकॉर्डिंग थी, सब प्रूफ थे। मैंने उनसे बार बार रिक्वेस्ट करी, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, वापस आ जा। उसकी शर्त ये थी कि जब तक नया घर नहीं खरीदा जाएगा तब तक हमारी फैमिली आगे नहीं बढ़ेगी। 2 साल हमारे इस बात को बीत चुके थे। नया घर खरीदने के 25-30 दिन के अंदर वो सारी ज्वेलरी लेके फरार हो गई, उसके बाद सारी रिक्वेस्ट बेकार गई। अभी रिसेंटली उसने उठा करके मेरे पे 498A का केस डाला है, जिसमें उसने ये प्रूफ किया है कि जो घर दिलाया गया है वो उसके पिताजी ने दिलाया है। मेरे पास सारे प्रूफ है, मैंने अगस्त 2018 में PMO को लिखा था, SSP को लिखा था, सारे जुडिशरी को लिखा था, उसमें मैंने एक एक प्रूफ लगाया था। इन्होंने उठा करके COCT बिजनौर महेश कुमार को अप्रोच किया, जिनको मैंने क्लियरली बताया कि सर मेरे पास सारे प्रूफ हैं, हर एक चीज़ झूठ बोल रही है। वहाँ उसने 35 लाख रुपए की डिमांड रखी। मैंने कहा सर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। वो लड़की कहती है कि इसका जो घर है वो बिकवाई है और इसके माता पिता का घर बिकवाई है, जिसमें मैंने आज तक अपने माता पिता के घर पर अपना हक नहीं जताया। आज ये सिर्फ और सिर्फ एक कानून इसलिए बन चुका है कि लड़कों को फंसाइए और उनसे पैसे हटिए। मैं COCT को बोलता हूँ, COCT DSP लेवल के एक इंसान होते हैं, उनकी लैंग्वेज ये थी कि भाई साहब आप ना 35 लाख मांग रही है, 20-25 लाख रुपये देकर के सेटल कर लो, वरना कानून महिलाओं के साथ है और ये आप पे 307 लगवाएगी, SC ST एक लगवाएगी, वो शेड्यूल कास्ट है, कहते आप पे SC ST एक लगवाएगी, 307 लगवाएगी, 498 लगवाएगी। मैंने कहा सर मुझे ये पता था कि कानून तो सच के साथ होना चाहिए, आपकी स्टेटमेंट ही अपने आप में गलत है कि कानून महिलाओं के साथ है। ऐसी ये COCT इस बात पे मुस्कुराते हैं और उसके बाद मैं एक RTI डालता हूँ। मैंने कंप्लेंट की कॉपी मांगी, मुझे कंप्लेंट की कॉपी नहीं दी जाती है। उसके बाद मैं एक RTI डालता हूँ कि मुझे किस कंप्लेंट के पे बुलाया गया था। 21 जनवरी को वो कंप्लेंट जाकर के RTI डिलीवर होती है SP CT बिजनौर को। 21 जनवरी को SP CT ऑफिस में ऑटोमेटिकली मेरी वाइफ के हाथ से एक कंप्लेंट रिसीव कर ली जाती है, जिसके भी आप पे COCT ऑटोमेटिकली उस पर लिख देते हैं बिना किसी फोन को किए कि दोनों पक्षों को बुला के कार्रवाई की गई थी। और क्योंकि लड़का नहीं तैयार हुआ, मैं बार बार हाथ जोड़ के उनसे बोल रहा था कि सर मैं मेरी पत्नी है, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, जो ये बोलेगी हर चीज के लिए तैयार हूँ, अगर साथ रहना चाहती है साथ रह ले, अगर ये अलग भी होना चाहती है तो सच बोले, मैं हर जगह साथ हूँ और जहाँ झूठ बोलेगी उसका प्रूफ दूंगा। उन्होंने मुस्कुरा के सिर्फ इतना बोला कि महिलाओं के साथ कानून है, आपको पैसे तो भरने पड़ेंगे। और उसका फाइनली रिजल्ट ये निकला कि मेरे को मेरे बूढ़े माँ बाप पे और मेरे भाई भाभी जिन्होंने कभी घर पे पैर नहीं रखा उनके ऊपर 498, 323, 506, 504, DP 1, 304 और एक दिन परेशान होकर मैंने अपने ससुर से बार बार रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे घर बिल्डर को वापस करने दीजिए, मैं EMI नहीं भर पा रहा हूँ, मैं सीवियर डिप्रेशन में हूँ, मैं खर्चा नहीं कर पा रहा हूँ। उस जगह उन्होंने मुझे बहुत अपशब्द बोले थे, मेरी मदर के लिए भी बहुत अपशब्द बोले थे। इस बात पे पलट के मैंने उन्हें व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज भेजे, उसके बिहाफ पे उन्होंने मुझ पर IT Act भी लगवाया है। ये हमारी कानून व्यवस्था है। मैं सारे प्रूफ्स लेके पिछले 7-8 महीनों से PMO तक मैं हर जगह गुहार लगा चुका हूँ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और एक झूठी कंप्लेंट जिसके सारे प्रूफ मेरे पास हैं प्रूफ करने के लिए कि ये सब झूठ है, उसके बेसिस पे मेरे पूरे खानदान के ऊपर एक कंप्लेंट फाइल करी जाती है और हम लोगों को हर तरफ से, वकील के पास जाएंगे वकील एक्सटॉर्शन करता है, पुलिस में जाएंगे पुलिस एक्सटॉर्शन करती है, उसके बाद आपको हर कोई डराता है धमकाता है। ये हालत है हमारे देश के कानून। क्या नाम है आपका? हिमांशु सक्सेना और मेरी वाइफ का नाम है उपासना सिंह। उसके पिताजी नवोदय विद्यालय राजस्थान राजसमंद में वाइस प्रिंसिपल हैं अभी। मैंने HRD मिनिस्ट्री को, जो इसके अंडर में आते हैं, उनको भी सारी शिकायत लिखी थी और HRD मिनिस्ट्री में RTI डाली कि आपने क्या कार्रवाई की। HRD मिनिस्ट्री कहती है कि हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, ये RTI का मेरा रिप्लाई आया है। थैंक यू। मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करता था मैम, मेरा पूरा 18 साल से मैंने दिन रात लग के अपना मार्केट सेटअप किया था। उसने उठा के मेरे के क्लाइंट तक को OTC की मेल्स भेजी और मेरे क्लाइंट्स तक को कॉल कर करके मेरा सारा बिजनेस खत्म करा चुकी है। पिछले 1.5 साल से मैं सीवियर डिप्रेशन में हूँ, 1 रुपया नहीं कमा पाया हूँ। ये मेरी हालत हुई है, मेरा पूरा करियर खराब हो चुका है, मेरी फैमिली, मेरी मदर की आप हालत देखेंगे, साल भर पहले की उनकी शक्ल देखेंगे, आज की देखेंगे, आप समझ जाएंगे कितना सीवियर ट्रॉमा में वो लोग हैं। और सिर्फ इसलिए क्योंकि झूठे का उन्होंने, हम लोग सीनियर सिटीजन हैं, बहुत परेशान हो रखे हैं, जहाँ पे भी जाते हैं हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, हमारे बेटे के अगेंस्ट उल्टे सीधे वर्ड बोलती है, उसको वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में भी अरेस्ट करा के आ गई और बोलती है ये खाना नहीं देता, जो आदमी उसको दुनिया घुमा सकता है क्या खाना नहीं देगा उसको? इंडिया में मम्मी के रहते हैं और झूठे केस हम पर डालने शुरू कर दिए हमारे खिलाफ, मेरी बेटी के खिलाफ, बेटी को लेके जगह जगह जाके रो रही है, कल को उसकी बेटी उसी की तरह बन गई, वो भी ऐसे ही करेगी।
जहाँ भी है सब जगह हमारे पास सुनवाई है वो मैं सलवर करते हैं वो भी सुनते हैं मेरे जैसे आदमी के ऊपर 354 लगा दिए बताइए आप क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ सुना जाएगा और ये है कि अपनी आवाज कमजोर नहीं होनी चाहिए।